सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल टेक्नो खान। तो आप लोगों ने म्यूज़िक सिस्टम लगते हुए देखा था मेरे एवियो के अंदर, बट जो आज म्यूज़िक सिस्टम लगेगा वो लगेगा इस i10 ब्रांड के अंदर। सो अभी रिसेंटली न्यू कार ली है, तो सोच रहे हैं कुछ इसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाए। जैसे ही इसके अंदर कुछ लगाने हमने, हॉर्न्स वगैरह लगाने और लगाना हमने जो म्यूज़िक सिस्टम मैंने भैया की गाड़ी के अंदर पहले लगवाया था, तो सेम म्यूज़िक सिस्टम इसका लगेगा उस गाड़ी का के अंदर, क्योंकि गाड़ी थी वो सेल कर दी। अभी नई गाड़ी ली है रिसेंटली, जस्ट कुछ ही दिन हुआ, अभी टेम्परेरी नंबर है इस पर एज यू कैन सी। तो ये है i10 के ग्रैंड, तो इसके अंदर लगाएंगे हम एक रॉकफोर्ट का जो म्यूज़िक सिस्टम था जो मैंने अपनी एवियो में लगाया था, तो सेम वही रॉकफोर्ट का सिस्टम लगेगा अपने इस i10 ग्रैंड के अंदर। और कुछ इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है, बेसिक मॉडिफिकेशन हर गाड़ी के लिए ज़रूरी होती है, तो वो करेंगे। जैसे कि होता है इसके ऊपर डोर वाइज़र, तो डोर वाइज़र हमारे इधर लग जाएंगे, थोड़े मैट वगैरह लगाएंगे और थोड़े अंदर के जो स्टीयरिंग कवर वगैरह होता है तो वो लगेगा। तो जैसे कि आप गाड़ी देख रहे हो, ये काम है, तो ये मैकेनिक से मैं करवाने जा रहा हूँ। सो ये जो गाड़ी है ये टॉप मॉडल है इसका i10 का। सो देख सकते हो इसके अंदर, और सिस्टम पीछे रखा हुआ है एंड मेरा बैग इधर। एक दुकान मिली है मेरे को, तो वहाँ से मैं अपने गाड़ी के अंदर सिस्टम लगवा रहा हूँ। तो आगे से आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जो इसका स्टीरियो है वो बाहर निकलता है, क्योंकि ज़्यादा का स्टीरियो के पीछे कुछ पिंस होती हैं जिसके अंदर हमारी एम्प की वायर है वो अटैच होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो वायर कौन सी है और स्टीरियो के पीछे किस पॉइंट के अंदर जाके वो वायर कनेक्ट होगी। सो इसका स्टीरियो है ये, अब ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि पूरा जो आप देख पा रहे हो पूरा LCD वाला है। और ये जो इसके आगे कवर लगा हुआ है जिसको रिमूव करने के बाद में, तो इसके आगे स्क्रूज वगैरह होंगे, तो उससे हमारा स्टीरियो बाहर आ जाएगा। तो अभी तो इसी को निकाल लें, तो इसके अंदर कुछ लॉक्स होते हैं, तो ये येल्लो जो पार्ट हैं ये लॉक के होते हैं। सो देख पा रहे हो इसके अंदर ये स्क्रू लगे हुए हैं साइड में एंड इस तरफ भी लगे हुए हैं। सो ये देख पा रहे हो ये स्टीरियो पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। तो इसके पीछे कुछ पिंस वगैरह होंगे जिसके अंदर जो हमारा नहीं है पिंस, तो इसके अंदर भैया बता रहे इसके अंदर कोई पिन वगैरह है नहीं। तो जस्ट जैसे आपने मेरी एवियो के अंदर देखा था उसके पीछे कुछ पिन वगैरह होती है जिसके अंदर हमारी एम्प की वायर लग जाती है, बट इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं। तो इसमें देखते हैं आप किस तरीके से लगेगी, तो नई गाड़ी है तो देखते हैं भाई थोड़ा सही से हो जाएगा हम तो बेस्ट रहेगा। सो गाइस, आपने मेरी एवियो के अंदर जब इंस्टॉल होते हुए देखा था स्टीरियो, उसके अंदर कुछ पिंस थे जिस जो इस तरीके से पिन होती है, तो हमारे स्टीरियो के अंदर वो डायरेक्ट लग जाती है जो ये स्टीरियो है, बट इसके अंदर आप देख पा रहे हो कोई ऐसी पिन नहीं है। तो इसके अंदर देखते हैं, भैया ने कुछ बताया है मेरे को कि एक अडैप्टर आएगा, तो अडैप्टर के अंदर ये पिन लग जाएगी और जो अपना बेस ट्यूब वगैरह एम्प वगैरह सब इसके प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। और हाँ, इसके अंदर कोई जो अपने वायर वगैरह कोई कट नहीं होने वाली, क्योंकि नई नई गाड़ी है, हफ्ता भर भी न्यू गाड़ी को लिए हुए। और देखते हैं कि किस तरीके से इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगी, तो आप लोगों को भी बताता रहूँगा कि टाइम टू टाइम कि किस तरीके से इसके अंदर ये स्टीरियो वगैरह लग रहा है, और साउंड क्वालिटी भी टेस्ट करेंगे। सो इसके लिए एक सॉल्यूशन मिल गया, तो ये आता है एक कपलर आता है जो मार्केट के अंदर आपको 200-300 रुपए का इजीली मिल जाता है। और ये जो कपलर है आप वहाँ पर एक सॉकेट देख पा रहे होंगे, तो इस सॉकेट में जाके लग जाएगा इन वायरों के अंदर, जैसे कि भैया कर रहे हैं। तो इसके अंदर देख पा रहे हो 4 वायर की 2 वायर बन चुकी है और जो हमारे उस सॉकेट के अंदर लगेगी। तो ये ऐसे एक नॉर्मल सा है कन्वर्टर है ये, तो जिसके अंदर आपको 2 पिन मिल जाती है, 2 पिन जो है इसके अंदर लग जाएगी। सो इजीली तरीके से ये वर्क करने लग जाएगा। सो आई होप काम अच्छे से हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि नई गाड़ी है तो वायरिंग वगैरह नहीं कटवा सकते। और जो हमने इसको खोल के देखा था स्टीरियो को, बट इसके पीछे कुछ ऐसा सिस्टम मिला नहीं, क्योंकि इसका जो डायरेक्टली हम की से सिस्टम नहीं मिल पा रहा, तो वहाँ से सिस्टम कर रहे हैं भैया। तो जैसे कि अगर आपने की ऑफ कर दी अपनी गाड़ी की, और अपना एम भी ऑफ होना चाहिए साथ के साथ में, और डिस्प्ले तो होएगी, क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग के साथ में कुछ करेक्शन कर रही है कंपनी वालों ने, तो जिससे ये अपने आप ही बंद हो जाती है डिस्प्ले। ये तो पूरा टच सिस्टम है, तो वहाँ पर इसका जो सॉकेट है ये जो कन्वर्टर है तो वहाँ पर लग जाएगा ये, और देखते हैं आगे किस तरीके से इंस्टॉल होगा। तो अपना ऑडियो और वीडियो कनेक्टर भी लग चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक येलो वायर में और एक है अपने ब्लैक वायर में। सो कोई भी वायर नहीं कटा, तो ये अपना कन्वर्टर, और इसकी जो वायर होती है जो हमारी जो कन्फ्यूज़न थी वो सारी दूर हो गई और प्रॉब्लम हमारी सारी सॉल्व हो चुकी है। ये वाली वायर लग गई हमारी, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो ये 20 नंबर का एक फ्यूज़ है, तो इसके अंदर हमारी वायर लग चुकी है। जब हम अपने गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे तभी हमारा एम चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कौन से नंबर की है। सो
सो इसके अंदर है वो पिन, ये देखिए ये रही, ये एसी के जस्ट नीचे वाली पावर आउट लेट की वायर है, तो इसके अंदर हमने लगा दिए फ्यूज के अंदर, तो बस यही है इसके अंदर। और बाकी जो कनेक्शन है हमारे, सो यहाँ पर हो रही है सारी एम की वायर है, और ये जो देखो ये जो आ रही है बैटरी से डायरेक्ट आ रही है, तो अपने बैटरी पे लगा दी वहाँ पर एक वायर और यहाँ पर आ गई। तो अपना जो एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर लगेगा सीट के नीचे जस्ट, तो ये मेन पावर सप्लाई की वायर है, और ये देखो ये यहाँ से निकलते हुए यहाँ पर आ गए, इसके अंदर लग रहा है एक फ्यूज़ लग रहा है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपका एम्पलीफायर वगैरह ख़राब ना हो, उससे पहले ये फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो ये हमारा लग जाएगा मेन पॉजिटिव की वायर में, तो ये पॉजिटिव है बैटरी के टर्मिनल से, ये यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से है इसको भी लगाना। सो अंदर म्यूजिक सिस्टम का काम चल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये यहाँ लगा रहे हैं इसके ऊपर तो सेम बेस ट्यूब वही है जो मैंने अपनी एवियो में लगाई थी, तो रॉकफोर्ड की है, तो इसकी ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी आती है, और आपने बेस तो खैर देख रखी होगी इसकी, तो यहाँ से आ गई बेस ट्यूब की वायरिंग, ये इन कनेक्टर में जो आप देख रहे हो तो इसमें लग जाएगी एक नेगेटिव पॉजिटिव। सो अपना म्यूजिक सिस्टम लग चुका है, सो अपना एम्पलीफायर यहाँ लग गया, तो अब बारी आती है इन हॉर्न्स को लगाने के लिए। तो हॉर्न्स लगाने के लिए सबसे पहले हमने इसके जो बोनट है, बोनट के लॉक हैं, इसमें ये सब ओपन हो गया हमारा बोनट बाहर आ जाएगा। सो यहीं पर इसके जो हॉर्न्स होते हैं स्टॉक वाले, उसको निकल के जस्ट ये अपने रूट्स वाले हॉर्न्स है ये लग जाएगा। अगर आपको परचेज करने होगा तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। स्टॉक हॉर्न्स देखा आपने, स्टॉक हॉर्न सिंगल हॉर्न लगा हुआ है सिर्फ इतनी महंगी गाड़ी के अंदर, तो हम इसके अंदर दो हॉर्न्स है ये लगाएंगे, जिसे क्रेटा हॉर्न्स बोलते हैं, हॉर्न्स की क्वालिटी काफ़ी शानदार है, और ये रूट्स कंपनी के। सो अब ये दो लगेंगे इस गाड़ी के अंदर, जो उसकी साउंड होगी तो बहुत ज़्यादा साउंड हो जाएगी। बारी आती है डोर वाइज़र लगाने की, तो ये है हमारी i10 ग्रैंड के लिए, तो देख पा रहे हो ग्रैंड, तो ये जो डोर वाइज़र होते हैं ये इधर लगेगा अपना, तो ये आगे के लिए डोर वाइज़र और पीछे के लिए भी होता है, तो इससे ये होता है जब आप बारिशों के अंदर अपनी गाड़ी चला रहे होते हो और अंदर पानी सब जमा हो जाता है, तो आप अपनी गाड़ी के इतने आधे शीशे भी खोल के चला सकते हो, जिससे ये होता है अपना बारिश का पानी अंदर नहीं जाता, तो आप देख पा रहे हो। और ये फ्लेक्सिबल है, फुल फ्लेक्सिबल, सो मैं आपको मुड़ के दिखाता हूँ, ये देखो इसके अंदर दो क्वालिटी आती हैं, तो ये फ्लेक्सिबल वाले थोड़े महंगे आते हैं, और जो दूसरे आते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते और वो इजी तरीके से टूट जाते हैं, तो मैंने ये लगाए तो बढ़िया है। तो उसको लगने के बाद में जो अपनी गाड़ी की लुक है और भी ज़्यादा शानदार हो जाती है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कितनी इजी तरीके से ये लग गए, तो जैसे हमने लेफ्ट में लगाए सेम हम लगाएंगे राइट साइड के अंदर भी, और इससे लुक एकदम गाड़ी की एकदम फंटास्टिक हो चुकी है, और जितनी भी आपके जो
अब बारी आती है स्टीयरिंग व्हील कवर लगाने की। सो आप देख पा रहे हो ये स्टीयरिंग व्हील कवर। सो अपना स्टीयरिंग व्हील भी लग गया, हॉर्न्स भी लग गए, सिस्टम भी लग गया। अब सिस्टम लगाने के बाद में इसको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों को इसकी साउंड सुनाता हूँ ज़रा। सो ये म्यूज़िक पॉज, अब ये करते हैं प्ले। सो ये देख पा रहे हो गाने का नाम है, देख लो आप, माता गाता। सुपर साउंड है भाई। अब वॉल्यूम, साउंड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है एकदम। थैंक गॉड दैट द ब्रदर्स ऑन द राइज नाउ। तो गाइस एकदम जबरदस्त साउंड आ रही है, ये देखो। सो देखा आप लोगों ने कितनी बढ़िया साउंड आ रही है, और बेस क्वालिटी भाई लाजवाब है। जाइए उस पर। ओ वाह, लुक एट दैट, शानदार, बढ़िया। सो गाइस अभी हम खेल रहे हैं गोल्फ, पहली शॉट मारी और पहली बॉल, वो आप गेट देख रहे हो, अभी मेरा दोस्त है ये लेकर आएगा। भाई कितनी लंबी मारी है, बहुत ही लंबी बहुत ही लंबी, बिल्कुल सीधी सीधी गई है एकदम ही, जब बॉल उठा के लेकर आ तो इतने फिर हम खेल लेंगे। हाँ तो गाइस मैं आपसे कहने वाला था, ये जो गाड़ी के अंदर जो काम था पूरा प्रॉपर तरीके से हो गया, बस उसके अंदर रह गए एक अपने रह गए मैट फ्लैप रह गए, और रह चुके हैं हमारा एक। और जब मैं नेक्स्ट जाऊंगा करोल बाग तो तभी लेकर आ जाऊंगा ये दोनों चीज़ें। ये तो मैं अपने स्कूटर के ऊपर रख के ला सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे गाड़ी लेकर जाता हूँ भाई बहुत ज़्यादा जाम वगैरह होता है। सो आप वीडियो एंजॉय करो और हम गेम एंजॉय करते हैं। कहाँ है भाई, लेकर आ। सो देख पा रहे हो, दिख रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा। तो भाई भाई फुल मज़ा आ रहा है, काफ़ी टाइम बाद में गोल्फ खेली है। अगर आपको ये सब प्रोडक्ट चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये सब नहीं, बॉल बल्ला बॉल क्लब वगैरह नहीं, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कार के एसेसरीज से रिलेटिव, जैसे हॉर्न्स हो गए, ये सब हो गए, उस सब का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और आपको इसी तरीके के अगर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो भी कर लीजिए, तो आपको वहाँ पर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहती है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय। तो टिल देन